हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड बाय बिफोर एंटरिंग इनटू योर मेडिकल कॉलेज। सो दिस इज़ कल्पना फ्रॉम हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज और हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है 1 सितंबर से। ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट। तो मेरी जो शॉपिंग है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं कंप्लीट। इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपके पास एक टैब होना ही चाहिए, टैब, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके बजट ज़्यादा होता है तो वो आईपैड ख़रीदते हैं या फिर लैपटॉप, जिससे कि बेसिकली आपको ऑनलाइन लेक्चर्स करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ये टैब काम आएगा, बड़ी स्क्रीन वाली चीज़ काम आएगी। डेफ्थ में पढ़ने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है, प्रोफेसर्स उतने डेफ्थ में नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको चैप्टर्स के हाईलाइट्स बताएंगे और एक इंट्रो। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए टैब, जो कि मेरे पास है एक Lenovo का टैब। उसके बाद आता है उस टैब पे काम करने वाला, स्मूथली काम करने के लिए आएगा आपके पास स्टाइलस, जो कि ये मेरी दीदी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी अमेज़न से। तो इस लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बहुत ही स्मूथली काम करता है, कोई भी चीज़ हाईलाइट्स करने के लिए हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टाइलस। तो सबसे पहले होना चाहिए टैब, उसके बाद होना चाहिए स्टाइलस। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दिस वन, यानी कि स्टेथोस्कोप। ऑब्वियसली आप अपना लाइफ स्टार्ट करने वाले हो एज अ MBBS स्टूडेंट, तो आपको जब भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा तो उस टाइम पे पेशेंट को चेक करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा ही। और सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है कि लोग बहुत ड्रॉप लेते हैं या फिर बहुत ही मेहनत से जो भी वो अपीयरिंग में निकाले या फिर ड्रॉप ईयर में बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को ख़रीदने के लिए, मतलब कि इस काबिल बनने के लिए कि आप इस चीज़ को ख़रीद कर सको। तो ऑब्वियसली दिस वन इज़ गिफ्टेड। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर में आपको ज़रूरत पड़ेगा वो है दिस वन, यानी कि स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एप्रन, सो ये मैंने ऑफलाइन लिया है जाके मार्केट में पापा के साथ, तो इसका कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ इसका लिंक मिल सकता है, इसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद कोई भी कॉलेज में आप जाइए फर्स्ट ईयर में ऐसा रूल होता ही है कि अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो बाहर निकलने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए आपके पास लॉन्ग ड्रेस होना चाहिए, यानी कि गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली सूट। तो इसके लिए मैं सूट परचेज की हूँ, ये है स्काई ब्लू कलर का, जो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। तो स्काई ब्लू कलर का ये सूट मैंने एक परचेज़ किया। उसके बाद दिस वन, जो कि वाइट कलर का है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये आपको इतना चीज़ बेसिक होना ही चाहिए। और दो कुर्ती मैंने जो परचेज़ किए थे वो थोड़ा उनका फिटिंग सही नहीं, तो मैं फिटिंग के लिए दी हुई हूँ। तो इतना चीज़ें हैं, यानी कि स्टेथोस्कोप, एप्रन, सूट होना चाहिए, टैब होना चाहिए, स्टाइलस होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बुक का। तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी के बुक चाहिए, फिजियोलॉजी के बुक चाहिए और बायोकेमिस्ट्री के। तो मैं ख़रीदने ही वाली थी, लेकिन फिर मेरे एक सीनियर रिकमेंड किए कि एक बार कॉलेज आ जाओ, उसके बाद ख़रीद लेना यहाँ पे कि कौन सा पब्लिकेशन चाहिए और कौन सा नहीं। इसलिए मैं अब कॉलेज जाऊंगी तो उसके बाद ही अपना शॉपिंग करूंगी बुक्स का। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करी है, जिसको ज़रूरी नहीं है बताना, वो सब बेसिक चीज़ है जो हर किसी को ज़रूरत पड़ता है। आप अपने याद से उसको ख़रीद सकते हैं, ख़रीद लेंगे। जिसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये बहुत ही क्यूट सा लिटिल सा ऑब्वियसली नॉइज़ थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये कुछ मेकअप करने टाइम के लिए। और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करनी होती है तो वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। तो उसके लिए आप धीरे धीरे, जब भी मतलब हॉस्टल शिफ्टिंग की बात आती है, जैसे कि आप सीधा प्रिपरेशन फेज से कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, तो बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपना शॉपिंग जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए रिज़ल्ट के बाद ही। तो इसलिए मैं जब दिल्ली में थी तो वहाँ से मैंने ये वाला स्कर्ट ख़रीदी थी मैं, जिसको अभी भी फिटिंग करने के लिए देना बाकी है और एक दो दिन में मैं फिट करवा ही लूँगी। उसके बाद ये हो गया वाइट टॉप, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। उसके बाद ये एक और वाइट कोट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ड्रेस में इसको ऊपर से ऐड कर लो अच्छा लगेगा। उसके बाद एक और टॉप है, ये सब कंफर्टेबल टॉप्स मैंने ली थी When I was living in Delhi after NEET exam। ये उल्टा है, बाद एक और ये टॉप है which is looking quite good, yes। सो फिर मैं इसको ली थी। उसके बाद आता है इट्स जो कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ मैं, ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियो में आप देख चुके होंगे इसको। इसके बाद ये दिस वन अलॉन्ग विथ इट मैंने बहुत सारे मतलब दो चार और भी कुर्ती खरीदी हूँ, जो कि दो कुर्ती तो मैं ऐसे कुर्ती नहीं है वो सूट टाइप का है जो कि मैं फ़िटिंग के लिए दी हूँ, और दो चार कुर्ती ऐसे हैं जो नीचे रखे हुए हैं रूम में फिट करवाने हैं सब ले जाकर। ऐसे के लिए लिस्ट क्या होना चाहिए, तो टैब होना चाहिए, स्टाइलस होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, एप्रन होना चाहिए और कुर्ती होना ही चाहिए फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद बुक्स होना चाहिए, जो कि बुक्स मैं कॉलेज में जाकर ख़रीदने वाली हूँ। और कुछ ड्रेस में ऑब्वियसली कुछ होना चाहिए जो, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे अगर आपको आई में प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह का कोई मेडिकल हेल्थ से इशू है तो आप कॉलेज जाने से पहले ही अपना वो सब इशू ख़त्म कर लीजिए। जैसे कि मेरे को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए मैं हॉस्पिटल जाकर पहले ही